हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, आज का जो सेट मैंने सेट किया है वो मैंने इस बुक से किया है। डेली तो मैं 50 क्वेश्चन दे ही रही थी इधर, आज सारे बुक्स के क्वेश्चन मिक्स करके मैं देती थी, और 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का। तो आज मैंने मैथ और रीजनिंग को छोड़ रखा है और 40 क्वेश्चन सिर्फ मैंने इस बुक से दिया है। आप देख भी रहे होंगे, ये बुक सभी ने पढ़ी हो, आई थिंक आपको पूरा दिख भी रहा होगा। तो ये लूसेंट का बुक है, सामान्य ज्ञान, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे इसमें मिक्स हैं। तो केवल मैंने इसी बुक से सारे क्वेश्चंस को उठाया है, ताकि आप अपने आप को चाहे तो आँक भी सकते हैं, क्योंकि ये बुक जनरली सभी पढ़ते हैं। तो इसमें आप अपने आप को भी आँक सकते हैं कि आपने अगर इस लूसेंट को पढ़ा है तो कितना आपने पढ़ा और कितना आपने छोड़ा, कितना आपको याद है और कितना आप भूल गए। तो उस तरीके से भी आप इसे सेट लगा के देख सकते हैं। बस एक मैंने आज टेस्ट के तौर पे रखा है कि लूसेंट से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। हाँ, अगर जो इच्छित हैं कि लूसेंट पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि लूसेंट भी बहुत ही अच्छी बुक है अपने आप में, ये करीबन जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक भी अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो मेरे ख्याल से बिहार दरोगा एसआई मेंस का रिजल्ट 80% तो मैं ऐसा कह ही सकती हूँ कि उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी के जो हैं आप अलग बुक से भी पढ़ सकते हैं उसे। और ऐसा नहीं कि ये कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए निकाला गया है ये बुक, ये आपको चाहे आप बीपीएससी का पीटी दे रहे हैं, या फिर बिहार एसएससी का हो, चाहे सीजीएल वगैरह, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं हम इसे। क्योंकि जनरली आप अगर सारा क्वेश्चन को मिलाएंगे ना एग्ज़ाम दे के आने के बाद, तो करीबन क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। हमें क्या लगता है कि नहीं लूसेंट से नहीं आया, ऐसा हम बस इसलिए कहते हैं आप, क्योंकि आपने लूसेंट को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी तो आपको याद नहीं है, इसीलिए। बाकी इस क्वेश्चन से बाहर मुझे नहीं लगता इस बुक से क्वेश्चन बाहर जाता है। तो आज का सेट सिर्फ इसी से है, और जो करंट अफेयर्स है वो मैंने अलग से दिया है। और पार्टिकुलर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अपने ब्लॉग वीडियो पे कि मैं कौन कौन से बुक को यूज़ करती हूँ आप लोगों का क्वेश्चन कलेक्शन करने के लिए। तो आप चाहे तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट आज के लिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। 1928 का साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली निम्न में से कौन सी भारतीय पार्टी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों ही ऑप्शन जो है ये साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली पार्टी थी। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और इसे जो है व्हाइट कमीशन या फिर श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी किसकी असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया? आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद। वैदिक सभ्यता में लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था। आंसर है ऑप्शन सी, तांबा को। फ्री इंडियन लीजन का गठन निम्न में से किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध जितने भी बंदी थे, बंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया था, जिसे कि इंडियन फ्री इंडियन लीजन का नाम दिया गया था। निम्न में से किस देश की सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से सटा है? आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान की। मुद्रा पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है?
आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने बिहार से 40 सीटों में से कुल कितने सीटों पर विजय हासिल किया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सीट। इन 40 सीटों में से 39 सीट एनडीए ने हासिल किया, जिसमें कि जो है भाजपा 17, जनता दल यू जो है ये 16 सीट और लोजपा ये 6, टोटल मिलाकर 39 सीट, और केवल एक सीट जो है कांग्रेस ने हासिल की। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के दो का ख इसमें जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। लोकसभा में सभी राज्यों संघ शासित राज्य को छोड़कर के कुल प्रतिनिधि अधिकतम हो सकता है कितना? आंसर है ऑप्शन सी, 530। यहाँ पे पूछा गया था संघ शासित राज्य को छोड़कर तो अधिकतम 530 हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम जो संख्या है 552 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्य जो है राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 2 जो है आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी सत्य हैं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन सही है। और हाँ, ये जो नियुक्ति की जाती है 165 के अनुसार, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, ये भी सही है। और महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है, ये भी ऑप्शन सही है। लिम्बा जनजाति निम्न में से कहां पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ी। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, थायमोसिन। थायमोसिन हार्मोन ये थायमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। बाकी के जो ऑप्शन है थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडो थायरोनिन, ये सारे जो है थायराइड ग्लैंड से स्रावित होते हैं। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? आंसर है ऑप्शन बी, बोरोन। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी को। पटकाई की पहाड़ी भारत को डैश देश से अलग करता है। आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार से अलग करता है। निम्न में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए, संविधान को। भारत और बांग्लादेश के मध्य फरवरी 2020 में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संप्रीति 9।
कार्बन के तीन समस्थानिकों में से कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन 14। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस का कौन सा उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? आंसर है ऑप्शन ए, चंबल परियोजना का यह एक भाग है। क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, एमएन राय। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ या फिर इसे लुम्बिनी स्तंभ भी कहते हैं, ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है और इस स्तंभ पे जो लेख खुदा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में है, जैसे कि बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अधीन केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष को मिलाकर अधिकतम कितने व्यक्तियों से गठित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, तीन व्यक्तियों से। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी, सह्याद्री। किस देश की क्रिकेट टीम ने फरवरी 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। पौधे व पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन डी, किया एक कानूनी अधिकार है। विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर में डैश 2020 को सुरक्षित रक्त बचाए जीवन या मतलब कि सेव ब्लड सेव्स लाइफ थीम के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 14 जून को। निम्न में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, मलबरी रेशम का। देश में सबसे ज्यादा उत्पादन मलबरी रेशम का होता है और सबसे कम उत्पादन ये मूंगा रेशम का होता है।
भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी किस स्थान पर खोला गया था? आंसर है ऑप्शन बी, सिरपुर महाराष्ट्र में। स्वामी महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण कहां हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, पावापुरी में। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी महावीर जो है इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी यानी कि राजगीर में हुआ था। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, कुमार गुप्त ने। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकरन नायर ने। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का टेस्ट, जो ओनली सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से था? आई होप कि इसमें और भी अच्छा स्कोर हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से सभी लूसेंट पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। तो और अपने आप को आंक भी लिए होंगे कि कितना आप जानते हैं, कितना आप भूल चुके हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही साथ ब्लॉग चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इच्छा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते।